गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधदार ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम। देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको करा दिया था सल्फोनेमाइड, और सल्फोनेमाइड के अंदर हमने आपको कराया था सल्फा औषधियाँ। सल्फा औषधियाँ में हमने चार से पांच प्रकार की हमने सल्फा औषधियाँ आपको करा दी थी। और उसके बाद में आज है हमारे पास में अगला ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड सॉरी, तो वो है हमारे पास में सल्फोनिक अम्ल। और सल्फोनिक अम्ल आप अच्छे से जानते हैं कि सल्फोनिक अम्ल क्या होता है। जब किसी बेंजीन वाले से एक हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट है जो सल्फोनिक ग्रुप के द्वारा, सल्फोनिक समूह के द्वारा कर दिया जाता है, तो बना हुआ जो कंपाउंड है वो कहलाता है सल्फोनिक अम्ल। क्या होता है सल्फोनिक अम्ल? जब किसी बेंजीन वाले से एक हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट सल्फोनिक समूह के द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाता है? सल्फोनिक अम्ल कहलाता है। तो देखिए, इसमें दो लाइन लिखेंगे पहले कि वे यौगिक जिनमें बेंजीन वलय के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन सल्फोनिक समूह का रासायनिक फॉर्मूला होता है क्या? SO3H। सल्फोनिक समूह द्वारा कर दिया जाता है तो बना हुआ यौगिक सल्फोनिक अम्ल कहलाता कहलाता है। देखिए, सल्फोनिक अम्ल क्या होता है कि जब बेंजीन वलय के किसी हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट हम सल्फोनिक समूह के द्वारा कर देते हैं तो बना हुआ जो कंपाउंड है क्या कहलाता है? सल्फोनिक अम्ल कहलाता है। और सल्फोनिक समूह क्या होता है? SO3H है जो सल्फोनिक समूह का रासायनिक फॉर्मूला होता है। तो देखिए, जनरल केमिकल रिएक्शन लेते हैं हम यहाँ पर, ये पर हम ये भी कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला होता है SO2, दो OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। देखिए, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल के OH जो समूह है इसका रिप्लेसमेंट यदि एल्किल समूह के द्वारा कर दें, किसके द्वारा? एल्किल समूह। और एल्किल समूह को हम प्रदर्शित कर सकते हैं किससे? R ग्रुप से। यदि R ग्रुप से OH समूह का प्रतिस्थापन कर दें तो बना हुआ कंपाउंड है वो भी क्या कहलाता है? सल्फोनिक अम्ल ही कहलाता है। देखिएगा, ये जो बना हुआ कंपाउंड है RSO2OH, ये क्या होगा? सल्फोनिक अम्ल ही कहलाता है। या तो हम इसे कह सकते हैं, या फिर हमें यदि बेंजीन वलय है, क्या हमारे पास में बेंजीन वलय है, इसके यदि हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट कर दो मैं किसके द्वारा? SO3H। ये क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में सल्फोनिक समूह है, इसके यदि रिप्लेसमेंट इसके द्वारा कर दो तो बना हुआ कंपाउंड क्या होगा? सल्फोनिक अम्ल ही होगा। क्या होगा? सल्फोनिक अम्ल SO3H। ये क्या है? ये भी सल्फोनिक अम्ल। तो ये सल्फोनिक अम्ल का ये तो हो जाता है एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे सल्फोनिक अम्ल का निर्माण की विधि, सिंथेसिस ऑफ सल्फोनिक अम्ल, या फिर प्रिपरेशन ऑफ द सल्फोनिक एसिड। ये तो हो जाती है इसका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द सल्फोनिक एसिड। उतार लीजिए।
अब है हमारे पास में निर्माण की विधि। आगे है हमारे पास में टॉपिक, वो है सल्फोनिक अम्ल के निर्माण की विधि। निर्माण की विधि तो देखिएगा, सल्फोनिक अम्ल है उसके निर्माण की क्या विधि है। सबसे पहले है हमारे पास में बेंजीन की रिएक्शन है सल्फोनिक अम्ल के द्वारा साथ। सबसे पहला है हमारे पास में बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ करवाने पर। इसमें लिखेंगे विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग उत्पाद देते हैं, अलग अलग उत्पाद देते हैं। देखिए, जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजीन के साथ, और बेंजीन के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाई जाती है, तो देखिए जब हम अलग अलग कंडीशंस के दौरान ये मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल और डाई सल्फ्यूरिक अम्ल और ट्राई सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका निर्माण करता है। तो देखिएगा, यदि मैं ले रहा हूं क्या बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन में करवा रहा हूं किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ये मान लीजिए मैंने ले लिया कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ना कंसंट्रेट H2SO4 मैंने ले लिया। तो यहां पर जब इसकी रिएक्शन करवाई कंसंट्रेट के साथ, तो यहां पर बनता है मोनो सल्फ्यूरिक, जो डेरिवेटिव है बेंजीन का वो यहां पर बनता है SO3H। ये क्या है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यदि इसी बेंजीन की रिएक्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाऊं, लेकिन अब की बार में सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहा हूं, वो लू सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा लू? सधूम H2SO4। यहां पर तो लिया था मैंने कंसंट्रेट, लेकिन यहां ले रहा हूं सधूम H2SO4। सधूम H2SO4 लेता हूं तो यहां पर बनता है डाई सल्फोनिक, जो डेरिवेटिव यहां पर बेंजीन का डाई सल्फ्यूरिक जो डेरिवेटिव यहां पर बनता है, और डेरिवेटिव जो बनता है वो बनता है एक दूसरे की मेटा पोजिशन पर। तो यहां पर दो बेंजीन की वाले पर दो सल्फोनिक ग्रुप यहां पर ऐड हो जाते हैं, और ऐड होते हैं एक दूसरे की मेटा पोजिशन पर। कहां पे होते हैं? एक दूसरे की मेटा पोजिशन, SO3H। ये देखिए, ये क्या है? मेटा बेंजीन डाई सल्फोनिक अम्ल, इसको कहेंगे मेटा बेंजीन डाई सल्फोनिक निक अम्ल हम इसे कहेंगे। तो ये है हमारे पास मेटा बेंजीन डाई सल्फोनिक अम्ल। और यदि इसी की मैं रिएक्शन है, यदि इस अधूम H2SO4 के साथ ही मैं रिएक्शन करवाऊं बेंजीन की 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अर्थात हाई टेम्परेचर में इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाऊं, तो यहां पर बनता है ट्राई डेरिवेटिव जो बेंजीन है, ट्राई डेरिवेटिव सल्फोनिक बेंजीन है, उसका निर्माण यहां पर होता है। तो देखिएगा, आगे इसी रिएक्शन को मैं प्रोसीड करवा रहा हूं किसके उपस्थिति में, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और सधूम H2SO4 के साथ। तो हमें पता है एक दूसरे की मेटा पोजिशन पर है, जो यहां पर तीन सल्फोनिक ग्रुप यहां पर बेंजीन पर जुड़ जाते हैं, और ट्राई डेरिवेटिव जो कंपाउंड है वो यहां पर बनता है SO3H, और इधर SO3H, ये यहां पर बन गया। ये क्या है? ट्राई डेरिवेटिव सेल्फ
सल्फोनिक अम्ल, इसका कहेंगे 1,2,1,3,5 बेंजीन बेंजीन ट्राई सल्फोनिक सल्फोनिक अम्ल हम इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राई बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हम इसे कहते हैं। तो ये तो हो जाती है जब हम H2SO4 के साथ बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फोनिक अम्ल के निर्माण की विधियां। अब हम देखेंगे इसकी, ये तो है निर्माण की विधियां, अब देखेंगे हम इसकी क्रियाविधि, एक्चुअल में रिएक्शन है किस प्रकार से प्रोसीड होती है। तो इसको उतार लीजिए पहले। अब हम देखेंगे इसकी क्रिया विधि, ये तो किसी निर्माण की विधि, अब देखेंगे इसके क्रिया विधि अर्थात ये जो रिएक्शन है किस प्रकार से प्रोसीड होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए आगे है हमारे पास में इसकी क्रिया विधि, सल्फोनीकरण की क्रिया विधि। सल्फोनीकरण की क्रिया विधि की क्रिया विधि देखिएगा। हमें पता है H2SO4 की रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेंजीन के साथ, और हमें पता है बेंजीन है एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करती है, और H2SO4 है वो देता है हमें एक इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर जो रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो है यहां पर प्रोसीड होती है बेंजीन पर। तो देखिए किस प्रकार से होगी। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम लेते हैं या तो ओलियम लेते हैं, और ओलियम का रासायनिक फॉर्मूला होता है H2S2 क्या होता है H2S2O7 H2S2O7 जो होता है तो इसे कहते हैं हम क्या ओलियम। और ओलियम है जब इसको गर्म किया जाता है तो ये बनाता है H2SO4, और साथ में निकल जाता है क्या SO3 है जो यहां निकाल जाता है। H2SO4 का निर्माण करता है और क्या निकल जाता है SO3 है, ये साइड में निकाल देता है। अब देखिए यहाँ पर जो H2SO4 है इसके दो अणु यहाँ पर इसके बनेंगे। अब यदि H2SO4 है इसके दो अणु में यहाँ पर ले लूं, दो अणु H2SO4 के यदि दो अणु में यहाँ पर ले लूं और इसको एक दूसरे के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर निकलता है SO3 है जो यहाँ पर निकलता है, जो हमें रिएक्शन के दौरान काम आता है और साइड में प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है क्या H2O, साथ में निकलता है HSO4- के रूप में। देखिए अभी SO3 का निर्माण कैसे होता है H2SO4 के, वो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ इधर साइड में। तो देखिए ये है जो H2SO4 को जो खोल के लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, प्रकार से ना। अब हमें पता है H2SO4 के यहाँ पर दो अणु हमें प्राप्त हैं, तो एक अणु तो यहाँ पर है जो काम करता है इसका, और दूसरा अणु करता है यहाँ पर अम्ल का काम। तो अम्ल यदि अम्ल क्या देता है H+ आयन, और H+ आयन है ये पता है कि ये इस पर लॉन्ग पेयर पाए जाते हैं, लॉन्ग पेयर इसको ग्रहण कर लेते हैं, तो इसको OH है इसको किस में बदलते हैं OH2+ के रूप में बदल देते हैं। और हमें पता है OH है जो एक बैड लिविंग ग्रुप है बजाय कि OH2+ के। तो ये देखिए OH S double bond O OH2 ये पॉजिटिव बदल गया,
ये एक बैड अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है और निकल जाता है क्या, जल। और ये जल तो ये रहा, ठीक है। अब ये जल निकल गया तो यहाँ पे एच सल्फर पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। देखिएगा OH, ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करता है, हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है और एच प्लस के रूप में निकल जाता है और बना देता है SO3। इस प्रकार से है जो SO3 बना देता है, साथ में क्या निकल जाता है, H प्लस के रूप में। अब ये SO3 है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, बेंजीन के साथ। और बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करता है तो किस प्रकार से करता है, एक जो है यहाँ पर बेंजीन वर्क करती है एक न्यूक्लियोफाइल की, जबकि SO3 है वो वर्क करता है एक इलेक्ट्रोफाइल की, भांति यहाँ पर व्यवहार करता है। तो देखिए अब हम करवा रहे हैं आगे इस जो SO3 की रिएक्शन है हम करवा रहे हैं किसके साथ, उसकी करवा रहे हैं बेंजीन के साथ। तो इस फर्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको लिख लेंगे, है ना। यहाँ पर हमने क्या समझा, SO3 का निर्माण। अब सेकंड में हम करेंगे क्या, बेंजीन के साथ SO3 की रिएक्शन, बेंजीन के साथ SO3 की अभिक्रिया। देखिए किस प्रकार से होती है, ये हमारे पास में बेंजीन वाले, बेंजीन वाले की रिएक्शन SO3 के साथ हम करवाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए हमें पता है ये है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन है इधर की ओर चले जाएं तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पर नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करता है, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से निर्माण हो जाता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये है हमारे पास में बेंजीन वाले, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इस पर SO3 नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है एक जो हाइड्रोजन परमाणु। अब देखिए SO3 के अधिक विद्युत जो माइनस आय प्रभाव कारण ये H+ आयन है जो बंद के इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो देखिए ये बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला जाता है और ये बंद के इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है, तो ये H+ है जो इस पर जुड़ जाता है और बना देता है किसका निर्माण, सल्फोनिक अम्ल का निर्माण ये कर देते हैं। यहाँ पर क्या जुड़ गया, SO3 और ये H+ इस पर अटैक कर जाता है, तो ये बन जाता है इस प्रकार से, और ये क्या बन जाता है, सल्फोनिक अम्ल। ये हो जाती है इसके निर्माण की विधि है जो कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे आगे क्या, आगे देखेंगे हम इसके निर्माण की जो विधि है उसके एक दो निर्माण की विधि और भी है, जैसे कि सल्फोरिक सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ जब हम है करवाते हैं किसकी रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, बेंजीन के साथ, और वो करवाई जाती है AlCl3 की उपस्थिति में। और फिर उसका हम AlCl3 की उपस्थिति में करवाने के बाद फिर से हम जल अपवर्तन करवा देते हैं, तो फिर से सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो पहले इसको उतार लीजिए, ये तो थी सल्फोनीकरण की क्रियाविधि, और पहले तो हमने करवाया था किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, आप करवाएंगे सल्फ्यूरिक क्लोराइड के द्वारा। अगला है हमारे पास में सल्फ्यूरिक क्लोराइड से, दूसरा नंबर का है सल्फ्यूरिक क्लोराइड, और सल्फ्यूरिक क्लोराइड की क्रिया द्वारा, की क्रिया द्वारा। देखिए सल्फ्यूरिक क्लोराइड है, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है SO2 Cl Cl और इधर भी Cl। ये सल्फ्यूरिक क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बेंजीन की साथ, और बेंजीन के साथ भी इसकी रिएक्शन करवाई जाती है और साथ में करवाया जाता है इसकी किसके साथ, साथ में करवाई जाती है AlCl, जिसे Cl3 है, लुईस अम्ल यहाँ पर लिया जाता है, और लुईस अम्ल क्या काम करता है, जो क्लोरीन परमाणु इसको लेके चला जाता है। तो यहां पर हम लेंगे क्या, लुईस अम्ल,
AlCl3 और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? एरिन के साथ। किसके साथ? एरिन, या फिर एरिन क्या कहते हैं, बेंजीन भी कहते हैं। तो एरिन को, बेंजीन को हम इस प्रकार, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा है ना बेंजीन में, तो इसको इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई? सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ, ठीक। किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल की उपस्थिति में। देखिए अब ये लुईस है, इसको क्लोराइड परमाणु को लेकर चला जाता है और ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है, जबकि ये क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके ये बना देते हैं सबसे पहले क्लोराइड का व्युत्पन्न, सल्फोनिक अम्ल का क्लोराइड व्युत्पन्न। देखिए SO2Cl। अब है हम इसका जल अपघटन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? जल अपघटन H2, इसका हम लिख देते हैं जल अपघटन। हम इसका जल अपघटन करवा देंगे तो क्या होगा? HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो OH जो यहां पर जो हो जाएगा क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, SO3H। और ये क्या बन गया? सल्फोनिक अम्ल, यहां पर ये अम्ल बन जाता है, साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है HCl। तीत हो जाती है दूसरे प्रकार की रिएक्शन सल्फोनिक अम्ल के निर्माण की। अगली है हमारे पास में तीसरे नंबर की, वो है कौन सी? वो है हमारे पास में थायोफिनोल की ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा? थायोफिनोल के ऑक्सीकरण द्वारा। थायोफिनोल का, थायोफिनोलों के ऑक्सीकरण द्वारा। देखिएगा थायोफिनोल है, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? थायोफिनोल का रासायनिक फॉर्मूला होता है बेंजीन वाले पर क्या हो, ये हमारे पास में बेंजीन वाले, इस पर क्या जुड़ा हुआ हो? SH ग्रुप। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? थायोल ग्रुप, यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो देखिए जब इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें पता है ऑक्सीकरण के दौरान ऑक्सीजन का ऐड होता है, और ऑक्सीजन का जब ऐड होगा तो हमें किसका निर्माण करवाना है? हमें निर्माण करवाना है सल्फोनिक अम्ल का। तो देखिए इसका जो हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं हम KMnO4 की उपस्थिति में। देखिए यहाँ पर तीन ऑक्सीजन ले रहा हूं मैं, और यहाँ पर जो है अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है किसके साथ? KMnO4 के साथ। जब इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो SH ग्रुप को किसमें बदल देगा? सल्फोनिक अम्ल में बदल देगा। तो देखिए SO3H में ये बदल देता है इसको, अर्थात तीन ऑक्सीजन परमाणु है ये वाली, इसमें इंसर्ट कर जाती है किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में। तो ये जो विधि है क्या होगी? थायोफिनोल का ऑक्सीकरण, इसको क्या कहेंगे? थायोफिनोल हम इसे कहते हैं। थायोफिनोल का ऑक्सीकरण द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? सल्फोनिक अम्ल का। ऑक्सीकारक रिएजेंट क्या है? यहां पर ऑक्सीकारक रिएजेंट तो KMnO4, और ये किसमें लिया जाता है? क्षार की उपस्थिति में ये लिया जाता है। ऑक्सीजन के साथ नवजात ऑक्सीजन के साथ जब थायोफिनोल की रिएक्शन करवाई जाती है तो बनता है हमें सल्फोनिक अम्ल का निर्माण यहां पर हो जाता है। तो ये तो हो जाती हैं इसके निर्माण की विधियां, जो महत्वपूर्ण विधियां हैं वो मैंने यहां पर करवा दी हैं। आगे है इसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए इसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमें देखनी है।
आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। भौतिक गुण किसके? फिनोल के भौतिक गुण, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सल्फोनिक अम्ल के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या क्या है। ये जो है सल्फोनिक अम्ल, ये है आर्द्रता ग्राही, कैसा है? आर्द्रता ग्राही क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये है आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता ग्राही क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है? आर्द्रता ग्राही क्रिस्टलीय ठोस है। और ये प्रकृति में कैसा होता है? ये अध्रुवीय प्रकृति का होता है, और जल में कैसा होता है? अत्यधिक घुलनशील होता है। तो पहला पॉइंट हो जाता है आर्द्रता ग्राही। दूसरा नंबर का है, ये है अध्रुवीय, ध्रुवीय, अध्रुवीय प्रकृति के कारण, अध्रुवीय सॉरी अति ध्रुवीय आएगा ना, अति ध्रुवीय प्रकृति के कारण कारण जल में अत्यंत क्रियाशील, या फिर अत्यंत जल में अत्यधिक अत्यधिक विलय शील होता है, होता है। कैसा होता है? जल में अत्यधिक विलयशील होता है, इसलिए 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 यह जल में आयनित आयनित अवस्था अवस्था में मिलता मिलता है। जल में कैसा होता है? आयनित अवस्था में यह है मिलता है। तो देखो ये तो हो जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके निर्माण की विधि कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास के अंदर है वो करवाएंगे हम इसकी जो केमिकल रिएक्शन बची हुई है वो हम उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाएंगे। किसकी केमिकल रिएक्शन? सल्फोनिक अम्ल की केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां तक ये आप देख लीजिए, और लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट क्लास के अंदर वो हो जाएगा कंप्लीट। ये यूनिट है फिफ्थ नंबर की, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फाइव नंबर की जो यूनिट है, इसके बाद हम आपको करवाएंगे एक नई जो यूनिट, दूसरी जो भी होगी वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये तो होता है आपका आज की क्लास, ठीक है।